राधे राधे सभी को। देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं इडली, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने दही ले लिया, उसको अच्छे से फेंट लेंगे हम। और ये सूजी ले ली है, हम 4 बाउल सूजी लेंगे और उससे कम 3.5 के करीब हम दही ले लेंगे। और उसे ये हमारा बाउल है, इसी से हमने सूजी नापी है, इसी से हम दही को लेंगे। और इडली बहुत ही टेस्टी बनती है, बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत ही पसंद आती है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं हम। तो ये मैंने सूजी कर ली है और ये मैंने ली है दही, इसी से नाप करके मैं दही कर लूँगी बाउल से। और इसे मिक्स करके, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और नोटिफिकेशन जो मेरी आपके पास पहुंचे उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करनी पड़ेगी जब भी मेरी वीडियो आएगी उसके लिए। तो जो भी मेरी वीडियो से आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अच्छी लगे तो। तो मैंने यहाँ 3.5 करीब बाउल 3.5 दही मिला ली है, इसमें मिक्स कर ली है। और इसे मैं देखिए मिक्स कर लिया है, बैटर मेरा गाढ़ा हो गया है थोड़ा टाइट। और इसमें मैं डालूंगी पानी और थोड़ी सी दही भी मिलाऊंगी। और दही हमें थोड़ी ही रखनी है जिससे कि थोड़ा फ्लफी जैसा हो जाए वो बैटर जो है। और इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल दूंगी जिससे कि बैटर हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो मुझे कम लगी थी तो मैंने और सूजी मिला ली है, मेरे लगभग ये 4 बाउल हैं। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जितनी भी बनाएं, बस इतना ध्यान रखें कि जो सूजी हो उससे दही कम लें आप बस। और आपकी परफेक्ट इडली बन करके तैयार होगी। तो अब हम इसमें देखिए पानी मिला लेते हैं थोड़ा। बैटर हमारा ऐसा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। तो इस तरह के, और आप जिस तरीके से दही बड़े बनाते हैं उसी तरीके से हमें ये फेंटना है, इससे कि ये फ्लफी हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो एक ही डायरेक्शन में हमें फेंटना है ये, और उसके बाद फिर हमारी बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी इडली बन करके तैयार होंगी। और पर ध्यान रखें इसका जो बैटर है उसे आप 15-20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दें, इससे कि जो सूजी है ना हमारी वो फूल जाएगी और अच्छी इडली बनेगी। और साथ ही हमने बना लिया है देखिए सांभर, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। और बैटर भी हमारा रेडी हो चुका है, हमने 15-20 मिनट के लिए रख दिया था। और इसमें बाद में हम इनो डालेंगे। यहाँ हमने देखिए एक बर्तन में भगोने में पानी ले लिया है 1 गिलास, इससे कि जो हम स्टैंड रखेंगे। और ये हम ऊपर से इसमें इनो डाल देंगे। अगर आपका बैटर कम है तो आप 1 पाउच डालिए, ज़्यादा है तो आप 2 पाउच डाल सकते हैं, ऊपर से थोड़ा सा पानी कर लें। और यहाँ हमने देखिए जो हमारा इडली स्टैंड है उससे ग्रीस कर लिया है ऑयल से, और उसको हमने बैटर को इसमें भर दिया है। और ढककर रखेंगे हम इसे 15 मिनट के लिए, और गैस को हम मीडियम ही रखेंगे, उससे ज़्यादा हाई नहीं करना है। और क्योंकि जो पानी हमने किया है 1 गिलास वो जल जाएगा नहीं तो, और आपका भगोना जल सकता है इसीलिए। और चाकू से देखिए हम देखेंगे कि हमारी इडली बन गई है या नहीं, या आप स्टिक भी ले सकते हैं कोई भी। तो हमारी इडली बन करके रेडी हो चुकी है, निकाल लेंगे हम ठंडा होने देंगे, निकालेंगे रखेंगे बहुत ही प्लस की। और ये जो हमारा इसमें पानी रह गया है इसमें थोड़ा सा और हम बढ़ा देंगे पानी, जब भी और थोड़ा सा पानी बनाएंगे तो शुरू करके रख देंगे। और देखिए चाकू की सहायता से इस तरीके से आपको निकाल करके और फिर से ग्रीस कर देंगे, बहुत ही बेटर कर देंगे इसमें। और स्पंजी बनी है देखिए। और अगर आप इतनी ही बनाना चाहते हो तो एक बार में 16 इडली बन सकती हैं। और ये देखिए हमारी इडली बन करके रेडी हो चुकी हैं, बहुत ही टेस्टी बनी है। आपको मैं काट करके दिखाऊंगी, ये देखिए बहुत ही स्पंजी बनी है। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिए, बच्चों के लंच में भी आप रख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे सभी को।